इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। महाराजगंज जिले में असलाह के दम पर बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। घटना का सीसीटीवी आया सामने, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की कर रही है तलाश। निचलोल थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र में असलाह दिखाकर तीन बदमाशों ने नकदी, लैपटॉप और मोबाइल लूट लिया। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं बैंक शाखा चलाने वाले लोगों में भय व्याप्त है। बता दें कि निचलोल थाना क्षेत्र के गोड़वा चौराहा से चौक मार्ग स्थित एक बैंक शाखा संचालित है। शाखा में रोज की तरह आज भी कर्मचारी अपना काम कर रहा था। शाम करीब 4 बजे तीन युवक मुंह पर मास्क लगाकर बैंक शाखा के अंदर घुस गए। सीसीटीवी में दिख रहा है कि एक युवक कर्मचारी से बात कर रहा है, जबकि दो युवक बाहर देख रहे हैं। इसी दौरान अचानक एक बदमाश युवक असलहा लेकर काउंटर के अंदर घुसकर कर्मचारी के पेट से सटा दिया। वहीं एक अन्य बदमाश भी उसके ऊपर एक सलहा दिखाकर धमका रहा है, जबकि तीसरा बदमाश लॉकर से रुपए निकाल रहा है। कुछ ही समय के अंदर बदमाश नकदी, लैपटॉप और मोबाइल लेकर भाग निकले। शाखा प्रबंधक राहुल सिंह ने बताया कि रुपए निकालने की बात कहकर तीन बदमाशों ने पिस्टल पर उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। साथ ही मोबाइल और लैपटॉप भी लेकर फरार हो गए। वहीं लूट की घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि तीन बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए पूरे जनपद में जांच अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से तीनों बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए 6 टीमें बनाई गई है। जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। इंडियन टीवी न्यूज से महराजगंज से अरविंद पटेल रिपोर्टिंग। तो सर, क्या इस पे जांच की जा रही है? देखिए, ऐसा है, जनपद महाराजगंज के थाना निचलोल से पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र, जिसको राहुल सिंह नामक व्यक्ति चलाया करते हैं, वहाँ पर शाम के लगभग 4 बजे के आसपास ये जब अपने ग्राहक सेवा केंद्र में बैठे थे, तब तीन अज्ञात पुरुष इनके गेट से प्रवेश किए हैं और यहाँ से इनके पास से एक डेल का लैपटॉप, एक रेडमी मोबाइल और कैश लगभग 40 से 50 हज़ार रुपए के आसपास इनके द्वारा बताया गया है कि इनके वहाँ से छीन के लेके भागे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल एक्टिव होकर पूरे जनपद भर में चेकिंग लगाई गई है तथा पुलिस की लगभग 6 टीमों को इन अभियुक्तों की पहचान के लिए और अग्रिम कार्रवाई के लिए लगाया गया है और जो पीड़ित हैं इनसे तहरीर प्राप्त करते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।